नमस्कार दोस्तों, धार्मिक तत्व में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्यों भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण के बीच युद्ध हुआ था। तो आइए जानते हैं। राजा बलि के पुत्र बाणासुर ने भगवान शिव की तपस्या करके उनसे सहस्त्र भुजाओं का वरदान प्राप्त कर लिया था। बाणासुर के बल से भयभीत होकर सभी उससे युद्ध करने से डरते थे। इससे वाणासुर को बल का अभिमान हो गया। वाणासुर की पुत्री उषा ने एक रात स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध को देखा। उषा स्वप्न में ही अनिरुद्ध को देखकर उस पर मोहित हो गई। उषा ने अपने मन की बात अपनी सखी को बताई। सखी ने अपनी मायावी विद्या से अनिरुद्ध को उसके पलंग सहित महल से उठाकर उषा के शयन कक्ष में पहुंचा दिया। जब अनिरुद्ध की नींद खुली तो उसकी नजर उषा पर गई और अनिरुद्ध भी उषा के सौंदर्य पर मोहित हो गया। जब बाणासुर को पता चला कि उसकी पुत्री के शयन कक्ष में कोई पुरुष है तो सैनिकों को लेकर बाणासुर उषा के शयन कक्ष में पहुंचा। वहां पर बाणासुर ने अनिरुद्ध को देखा। बाणासुर के क्रोध की सीमा न रही और उसने अनिरुद्ध को युद्ध के लिए ललकारा। बाणासुर और अनिरुद्ध के बीच युद्ध होने लगा। बाणासुर के सभी अस्त्र विफल हो गए। तब उसने नागपाश में अनिरुद्ध को बांधकर बंदी बना लिया। इस पूरी घटना की जानकारी जब भगवान श्री कृष्ण को मिली तो वह अपनी सेना के साथ बाणासुर की राजधानी में पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण और बाणासुर के बीच युद्ध होने लगा। युद्ध में अपनी हार होता हुआ देखकर बाणासुर को भगवान शिव की याद आई, जिन्होंने बाणासुर को संकट के समय रक्षा करने का वरदान दिया था। बाणासुर ने भगवान शिव का ध्यान किया तो भगवान शिव युद्ध भूमि में प्रकट हो गए। बाणासुर की रक्षा के लिए भगवान शिव ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि युद्ध भूमि से लौट जाएं, अन्यथा मेरे साथ युद्ध करें। भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शिव से युद्ध करना स्वीकार किया और भगवान शिव एवं श्री कृष्ण के बीच महासंग्राम छिड़ गया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि भगवान शिव के रहते हुए वह बाणासुर को परास्त नहीं कर सकते, तो उन्होंने भगवान शिव से कहा कि मेरे हाथों से बाणासुर का पराजित होना विधि का विधान है। आपके रहते मैं विधि के इस नियम का पालन नहीं कर पाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण की इन बातों को सुनकर भगवान शिव युद्ध भूमि से चले गए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर की चार भुजाओं को छोड़कर बाकी सारी भुजाएं सुदर्शन चक्र से काट दी। बाणासुर का अभिमान चूर हुआ और उसने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगकर अनिरुद्ध का विवाह उषा से करवा दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।